तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया है और वहाँ पे हमारा इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हो चुकी है सुबह और रनू में भी जा रहे हैं फिर से स्कूल, और मैं भी जाऊंगा 12 बजे करीब। स्कूल जाना है मुझे भी, और अभी मेरे को लेने जाना है दूध पैकेट वाला। तो मैं जा रहा हूँ, शॉप अभी खुली होगी, थोड़ा बाहर उजाला हो चुका है। मैं बाहर जा रहा हूँ तो बाहर बहुत ठंड है, स्वेटर पहने तो वैसे भी मेरे को बहुत ठंड लगती है। रेडी हूँ इस ठंड से लड़ने के लिए, मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। मेरे को सुबह सुबह धरा दिए झोला और बोले कि जा दूध लेके आ, और ब्रेड मिलेगा तो वो भी लेके आ, तो मेरे को थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, अब मेरी फरारी की सवारी रेडी हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ बाहर। गेट खोल दिया मैंने। ओह मम्मी, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है, मैं कसम से क्या बताऊँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी रेडी हो गई साइकिल, गेट को किया बंद और हम लोगों ने निकल चले। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठा था ताकि मैं पढ़ पाऊँ, तो मैं जल्दी उठा था इसलिए, लेकिन ये लोग तो मेरी सुबह दौड़ करा दिए भैया, थक गया मैं बहुत। पीछे जो है थोड़ा चढ़ान था तो मैं चढ़ के आया हूँ, बाप रे। हाँ बहुत देर से, अब बस पहुँचने वाला हूँ, इंदिरा मार्केट आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी साइकिल मेरा बहुत साथ देती है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने पाव लिया है और दूध का पैकेट लिया है, अब मुझे बहुत दूर घर जाना है। अब ढलान है, ये देखना आपको दिखाता हूँ। चढ़ते समय नहीं बना पाया क्योंकि बहुत चढ़ान था ना, मेरे को चढ़ना भी था जल्दी जल्दी, और अनु भी स्कूल भी आना है तो मेरे को फास्ट जाना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो फ्रेंड्स, मुझे ढलान मिली है, देखो फ्रेंड्स कितने स्पीड में निकला मैं, क्योंकि मैं बहुत लेट आया और रनू बेबी के स्कूल का टाइम हो रहा था। फिर रनू बेबी फटाक से चले गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी अपना मेरे को डांटने पे तुली है, हम लोग तो चले गए। अब मेरे को एक्टिवा की चाबी ढूंढने, कल मैं लेके गया तो मेरे को मिल नहीं रही, तो मैं ढूंढता हूँ उसको। ये देखो हमारे बाबा क्या कर रहे हैं, चाबी मिल गई, यहीं पे था, मेरे को पता था पापा मेरे को डांट रहे थे। तो फ्रेंड्स आज तो बहुत ही मजा आ रहे हैं व्लॉगिंग करने में, सेकंड टाइम मेरे न्यू फोन से। मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, और ये देखो हमारी मिर्ची। और पता है अभी ना क्या हुआ, आज सुबह से मैं दौड़ ही रहा हूँ, पता है यार बहुत मेहनत करना पड़ा। अभी जो है ना सब्जी वाले भैया वो चले गए थे, यहाँ चिल्लाए नहीं, मम्मी को लेट हो गया आने में बाहर, तो बहुत दूर तक आगे निकल लिए थे, तो अब मेरे को जाना पड़ा। मैंने हरी मिर्ची ले आई दौड़ के, और पता नहीं यार आज का दिन बहुत दौड़ने वाला हो गया, मैं बहुत देर से भाग दौड़ कर रहा हूँ, है ना मम्मी? नहीं, मैं एक्सरसाइज, एक तो मैं पढ़ूँ उसके बाद एक्सरसाइज भी करूँ और व्लॉगिंग भी करूँ। तो चलो मिर्ची तो मिल गई कम से कम, आज खाने में मजा आएगा, तीखा नहीं रहा ना तो खाने में मजा नहीं आता, मेरे को चटपटा तो रहना चाहिए भाई, चटपटा खाना ना सबको पसंद है ना मम्मी? बस मम्मी थोड़ा चटपटा नहीं बनाती, मम्मी को मिर्ची डालना पसंद है लेकिन ना ऑयली नहीं होता, क्योंकि मम्मी को मना है ना, मम्मी थोड़ा डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस। तो फ्रेंड्स अभी मैं ट्यूशन से आ रहा हूँ, और ये रहा मेरा दोस्त रोहित। तो ब्रो कल हमारे स्कूल में स्पेशल है ना दिन, मेरे को क्या पता, मैं स्कूल ही नहीं गया था। हाँ ये स्कूल नहीं गया था लेकिन मैं गया था, लेकिन कल एकदम स्पेशल डे है, और कल का हम लोग स्कूल में व्लॉग भी बनाने वाले, तो देखना मत भूलना और लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी करना। फिलहाल अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, अरे यार थक जाता हूँ यार बहुत। आज हम लोग स्पेशल जगह जा रहे हैं जो भिलाई में है, सेक्टर तरफ, और यहाँ का एरिया भी बहुत सुंदर है सेक्टर तरफ का, कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ सब। और ये पूरे रोड में लगा है, वहां से स्टार्ट है, और इसके ऊपर ना सोलर पैनल लगा है इसके ऊपर, मैंने अभी देखा यार, अगर ये हमारे दूर में होगा कितना सुंदर दिखेगा।
सेक्टर की कुछ बात ही अलग है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का और यहाँ पे पेड़ पौधे इतने ज्यादा है कि ऑक्सीजन भर भर के मिलता है और इससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल सब चलता है, जिम। फ्रेंड्स, ये यहाँ का सेक्टर का फेमस है शहीद पार्क, जो अभी अभी बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हो इसको, और बहुत ही बड़ा पार्क है बहुत ही, और इसमें वाटर शो भी होता है। अंदर चलते हैं, सामने बहुत सारे शॉप भी रखी है लगे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ से इसका एंट्रेंस है और अंदर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे देखो तोप भी रखी गई है, असली ही है, काम करती होगी, पर ये अभी चालू नहीं है और ये बंधी हुई है। और इस तरफ भी है, वहाँ पे भेल है, हम लोग सोच रहे खा लेते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं भेल स्टॉल में और ये भैया हमारे भेल बना रहे हैं। आ चुका है हमारा भेल। टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा है और खाने में भी मज़ा आ रहा है। ख़त्म करने के बाद हम लोग शहीद पार्क के अंदर जाएंगे और वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।